पर तो मौका अच्छा है राइडर्स के लिए, लूट सको तो लूट लो, नहीं तो आगे मौका मिले या ना मिले। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह से मैं वेट कर रहा था कि कोई बाहर की बुकिंग आए तो मैं निकलूं, क्योंकि मैं लोकल में काम करता नहीं। तो अभी सुबह से वेट कर ही रहा था, इंटरसिटी ऑन करके बैठा था। तो अभी आइए मेरठ की बुकिंग, तो चलते हैं पिकअप करते हैं और निकलते हैं। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। चल के मिलते हैं मेरठ में। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेरठ। मेरठ पहुंचने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा। नॉर्मली आप सबको पता है कि 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेसवे बनने की वजह से 1 घंटा ही लगता है, बट मैं कोई दूसरे रास्ते से आया हूँ इसलिए मुझे 1.5 घंटे लग गए। तो मेरठ पहुँचने में जो हमारा बिल बना है, वो बिल बना है 2355 रुपीज़। इतना हैवी बिल बन गया, मैंने सोचा नहीं था। बिल इसलिए हैवी बन गया क्योंकि जो क्लाइंट हैं वो दूसरे रूट से हमको लेकर के आए थे। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या दिक्कत है वैसे। तो क्लाइंट को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, मैंने सोचा नहीं था। क्लाइंट को फ़ायदा मिला है 495 रुपीज़ का, वो भी ऊबर ने प्रमोशन दिया है। मैंने कहा इतना हैवी प्रमोशन? तो मैंने उनसे पूछा आपने फ़र्स्ट टाइम राइड बुक किया है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ फर्स्ट टाइम राइड बुक किया है। तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, तो ऊबर जो है वो अपने जो कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा प्रमोशन दे रहा है फर्स्ट राइड पर। तो मौका अच्छा है राइडर्स के लिए, लूट सको तो लूट लो, नहीं तो आगे मौका मिले या ना मिले उसका तो कुछ पता नहीं है। तो हमारा जो ब्लॉग है वो यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, फिर किसी नए सफ़र पे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।